दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। तहसील क्षेत्र के ग्राम डावरी में सोमवार से कथावाचक पंडित अर्जुन गौतम जी के मुखारविंद से चलने वाली सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कथा का समय रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। गांव के अति प्राचीन श्री शिव मंदिर परिसर में शुरू हुई संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चलते सर्वप्रथम गाँव में श्रीमद् भागवत की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का गांव में जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत हुआ। गांव के प्रमुख मार्गों से होकर कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची, जहां प्रथम दिवसीय कथा की शुरुआत हुई। कथा शुरू होने से पूर्व कथावाचक पंडित अर्जुन गौतम जी ने श्री शिव जी का पूजन अर्चन कर निर्विघ्न कथा सम्पन्न होने के साथ गांव में सुख शांति की कामना की। तत्पश्चात कथावाचक पंडित गौतम ने प्रथम दिवसीय कथा की शुरुआत कर कथा का श्रवण करवाते हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं को बताया कि स्वर्ग के अमृत से भी कथा अमृत श्रेष्ठ होती है। भागवत कथा जिसने भी श्रवण की है वह इस भाव में तर गया है। यह श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा के रूप में होती है, जो कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ही प्राप्त होती है।